भाई आज बात करेंगे इंश्योरेंस और गारंटी में क्या फ़र्क होता है। जो गारंटी होती है ना एप्पल की, आईफोन की, किसी भी कंपनी का, आईफोन एंड्रॉयड भी हो, जो मर्जी हो, पमें एप्पल का हो, क्या फ़र्क होता है इंश्योरेंस और गारंटी में। इंश्योरेंस और गारंटी में क्या फ़र्क होता है, गारंटी पता क्या होती है, आपका सेट कंपनी ही गारंटी देती है कि अभी विदाउट फिजिकल कोई भी दिक्कत आ रही है तो कंपनी आपको एप्पल वाली कंपनी फ्री सेट रिप्लेस कर कर देगी। बट जब वो इंश्योरेंस की बात होती है, क्या बात होती है इंश्योरेंस में, मैं बताता हूँ क्या दिक्कत होती है इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस में ये होता है कि यहाँ भी जिस पर्सन जो भी व्यक्ति ने इंश्योरेंस कराई होती है सेट की, साल या 2 साल की होती है, किसी दुकानदार को जाते हैं, अपना दुकानदार के पास जाते हो कि भाई इस सेट की 2 साल की इंश्योरेंस है, ले लो, खरीद लो, कि यहाँ भी कोई दिक्कत भी होगी कंपनी फ्री ठीक करके देगी फिजिकल डैमेज। बट उसमें क्या होता है, जिस भी पर्सन ने इंश्योरेंस कराई होती है उसका साथ में होना जरूरी है, उसके साइन हुए होते हैं, उसके प्रूफ लगे होते हैं। आपको इंश्योरेंस नहीं मिली होगी जब आप सेकेंड हैंड सेट बाय करते हो कि अभी 2 साल की इंश्योरेंस पड़ी हुई है, भाई ले लो इसको, समझते हो, 2 साल की इंश्योरेंस पड़ी हुई है, आप ले लेते हो, थर्ड पार्टी आपने सेट खरीद लिया, 2 साल की इंश्योरेंस पड़ी हुई है, इंश्योरेंस किसके नाम पर है, मेरे नाम पर है, मैं सेट बेच कर आ गया दूसरी दुकान पर, ठीक है, पर मेरे तो बगैर आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगी जब तक मेरे साइन नहीं होगे। आपका सेट गिर गया, डैमेज हो गया, आप कंपनी के पास गए जिस कंपनी की इंश्योरेंस थी, उसने पूछना है जो पर्सन का सेट है जिसके प्रूफ लगे हुए हैं वो बंदा आपके साथ है, आप कहोगे नहीं, आपको मालूम ही नहीं है किस बंदे की जो इंश्योरेंस कराई हुई है, किस बंदे ने इंश्योरेंस कराई हुई है, इधर फंस गए आप। इसलिए जब भी कोई भी सेट इंश्योरेंस का लेना है, क्लेम आपको नहीं मिलेगा, आपको थर्ड पार्टी को क्लेम नहीं मिलेगा, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। जिस बंदे ने क्लेम लिया हुआ है उस बंदे के साइन होंगे, उसके प्रूफ लगेंगे, तब आपको सेट का क्लेम मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, जितना मर्जी जोर लगा लेना। इसलिए बी केयरफुल, कभी भी ये सेट ऐसे मत लेना कि यहीं आईफोन की इंश्योरेंस कराई है, 2 साल की कराई हुई है, कोई 5 साल की भी इंश्योरेंस करा लेता है, जब तक वो बंदा वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, साथ के आपके नहीं खड़ा होगा, तब तक सेट की कोई भी इंश्योरेंस आपको नहीं मिलेगी, आपको कोई कंप्लेंट क्लेम नहीं मिलेगा, इस बात का खास ध्यान रखना। इसीलिए जब भी कोई भी सेट खरीदोगे इंश्योरेंस तो भूल जाओ कि आपको उसकी इंश्योरेंस मिलेगी, 2 साल 3 साल जितनी भी इंश्योरेंस होंगी आपको नहीं मिलेगी, जब तक वो पर्सन आपके साथ स्टैंड नहीं कर रहा, उसके साइन हो गए, उसका आईडी प्रूफ लगेगा, तब आपको उस सेट की इंश्योरेंस मिलेगी जो आपने बाय किया हुआ है अनदर शॉप से, इस चीज़ का खास ध्यान रखना। बाकी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। समझ गए पूरी बात, आप सेट खरीद रहे हो किसी भी शॉप से, उसकी इंश्योरेंस दुकानदार कह रहा है कि अभी उसकी इंश्योरेंस कराई हुई है 2 साल की, ले लो, जब भी कोई दिक्कत आएगी कंपनी फ्री ठीक कर देगी। कंपनी ऐसे फ्री ठीक कर नहीं देगी, जिस भी पर्सन ने इंश्योरेंस कराई है वो आपके साथ होना चाहिए, उसके साइन हो गए तब आपको उसका क्लेम मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, यूट्यूब चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लेना।